सिद्धार्थनगर में सीबीएसई बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है। टॉपर में केंद्रीय विद्यालय के बच्चे भी रहे। हाई स्कूल में केंद्रीय विद्यालय टॉपर पंकज मधेसिया हैं। पंकज मधेसिया को 88.8% नंबर मिला है। पंकज बहुत ही गरीब परिवार से है, इंटर के बाद इंजीनियर बनना चाहता है। उनका कहना है कि मैंने 88.8% नंबर लाने में मेरे माता पिता व शिक्षकों का पूरा योगदान है। उन्होंने हमेशा मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और समय समय पर उत्साहित भी करते रहते थे, जिसकी बदौलत आज मेरा ये नंबर आया है। वहीं पंकज के पिता काफी खुश नजर आए, जिनकी आंख से खुशी के आंसू भी निकले। उनका कहना है कि मैं गरीब हूं, लेकिन अपनी मेहनत और मजदूरी से बेटे को आगे बढ़ाता रहूंगा। केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल का कहना है कि पंकज काफी होनहार व केंद्रीय विद्यालय टॉप किया है व काफी होनहार भी है। वह बहुत ही गरीब परिवार से है, ये विद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पंकज मधेसिया है। कहाँ? किस केंद्रीय विद्यालय? सिद्धार्थनगर। जो आपने हाई स्कूल टॉप किया है, क्या है, कैसे, कितनी खुशी है, किसका श्रेय किसको देंगे आप? मेरे सक्सेस का पूरा श्रेय मेरे पेरेंट्स और मेरे गुरुजनों को जाता है। इसके लिए मैंने सुबह शाम कड़ी मेहनत की। 7 घंटे 8 घंटे में पढ़ता था रोज। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के 8 बजे तक पढ़ता था। शाम को फिर 7 से 9 साढ़े 9 10 बजे तक पढ़ता था। और टीचरों के द्वारा हमेशा मुझे मोटिवेशन मिलता रहा। कितना खुशी है इससे? कितना खुश हो कि टॉप किया? मुझे बहुत खुशी है कि मैं क्लास 10 टॉप किया केंद्रीय विद्यालय। आगे क्या क्या प्लानिंग है? मेरा प्लान रहेगा 12th के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। 12th 90% से ऊपर का। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन, जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। राजस्थान के 12 छबड़ा उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कड़ियावान गांव के पास स्थित नाला पार करते समय शुक्रवार को एक व्यक्ति बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। सरपंच भगवान स्वरूप धाकड़ ने बताया कि शुक्रवार को कड़ियावान स्थित नाले में पानी का बहाव तेज होने से इसी गांव निवासी बाबूलाल उम्र 50 पुत्र लक्ष्मी नारायण सेन नाला पार करते समय संतुलन बिगड़ जाने से बह गया। इसी नाले में गत वर्ष भी एक किशोरी की बहने से मृत्यु हो गई थी। इस मामले में SDM सुरेश कुमार हरसौलिया ने बताया कि मामले की जानकारी उन्हें मिलते ही उन्होंने तहसीलदार हरिओम त्यागी व पटवारी सहित पुलिस कर्मियों को यहां पहुंचने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते उन्होंने मौका स्थल पर पहुंच नाले में बहे व्यक्ति की ग्रामीणों के सहयोग से सरगर्मी से तलाश प्रारंभ कर दी है और शनिवार सुबह रेस्क्यू टीम द्वारा यहां पहुंचकर सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। रात्रि 9 बजे तक नाले में बहे व्यक्ति का कोई सुराग नहीं लग पाया था। सुबह 8 बजे के करीब गांव के समीप नाले के पास मृत अवस्था में पड़ा मिला युवक। छबड़ा SDM, तहसीलदार, पुलिस और ग्रामवासियों की मदद से देर शाम तक रेस्क्यू टीम द्वारा लंबे समय तक खोजबीन की गई, लेकिन बारिश और अंधेरा ज्यादा होने के कारण युवक का कोई पता नहीं लग पाया था। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर।
बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। राजस्थान के शाहबाद कस्बे सहित समूचे उपखंड क्षेत्र में गुरुवार एवं शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। वहीं लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। पिछले कई दिनों से बरसात नहीं होने से क्षेत्र में गर्मी काफी तेज थी, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन गुरुवार शाम 5 बजे से हुई बरसात के बाद मौसम में ठंडक हो गई। गुरुवार को हुई बारिश 49 mm दर्ज की गई। वहीं शुक्रवार दोपहर को झमाझम बारिश शुरू होने से मौसम और भी सुहाना हो गया और यहां घूमने आने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होने लगा है। लोग दूर दूर से यहां घूमने के लिए आने लगे हैं। वहीं किसानों को भी बरसात होने से राहत मिली है। समाचार लिखे जाने तक रिमझिम बरसात जारी रही। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। उत्तर प्रदेश के आगरा में बदमाशों ने कर्मचारी को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूटे। रावतपाड़ा पीपल मंडी क्षेत्र में कई अन्य ऐसे ऑफिस हैं जो करते हैं हवाला के रुपयों का लेन देन। हवाला के जरिए प्रतिदिन होता है लाखों रुपयों का आदान प्रदान। सूत्रों के अनुसार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लेन देन के एवज में ली जाती है मोटी रकम। फिल्मी स्टाइल में नोट के नंबर देख कर किया जाता है रुपयों का लेन देन। लाखों का चूना लगा रहे इसी प्रकार हवाला ऑफिस। गुजरात से संबंधित है ज्यादातर ऑफिस। आज हुई लूट के बाद खुलेआम आगरा में हवाला रुपयों का प्रतिदिन होने वाले काले कारोबार का राज। मौके पर पहुंचे एडीजी, आईजी, एसएसपी, एसपी सिटी व अन्य थानों का बल, अलग अलग टीम गठित कर जल्द ही खुलासा करने का दिया आश्वासन। ये आज करीब दिन में 2:15 बजे एक व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति था वो थाने कोतवाली पर आया और उसके साथ दो लॉयर्स भी थे और उन्होंने बताया कि इस तरीके से उनकी दुकान यहाँ पर कोतवाली क्षेत्र में गली है पीपल मंडी जो भी है, ये यहाँ पर 4 व्यक्ति आए थे और आकर उन्होंने तमंचे की बल पर पैसे लूट लिए। यहाँ पर जब उन्होंने अपना देखा, हिसाब किताब देखा और यहाँ पर जब आकर देखा कि बात की हुई, तो उन्होंने बताया कि टोटल करीब 40 लाख रुपए की लूट हुई है। तो इसमें सभी अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं और जो आगे की पुलिस की कार्रवाई है उसमें कई टीमें बना दी हैं। वो अलग अलग टीमें अलग अलग कार्य कर रही हैं और इस घटना को वर्कआउट करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। कैश किसका था, किस कंपनी का था या कोई प्राइवेट कैश? अभी उसके बारे में जो उसके कंप्लेनेंट हैं उनसे डिटेल में बात होगी, जिसके बारे में बताएंगे कि उनका था, किसी और का था या ये कैरियर का काम करते थे, तो ये सब बातें तो अभी जांच का विषय है। हमारी प्रथम प्राथमिकता यही है कि पहले जो बदमाश जिन्होंने घटना कारित की है। फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। हरदोई के पिनाही विकास खंड के वाजिद नगर रिक्त सीट पर निर्विरोध निर्वाचित हुए मृतक निशान सिंह के भाई गगनप्रीत सिंह। बोले ब्लॉक प्रमुख कुशी वाजपेयी, हमारा विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था में मालूम हो कि कुशी वाजपेयी के परिवार में लगातार प्रमुख पद रहा है। आज का दिन बड़े ही भावनात्मक दिन है मेरे लिए। आज से 1 वर्ष पूर्व हुए चुनाव में निशान सिंह ने मेरा एक भाई की तरीके से मेरे चुनाव में मेरा साथ दिया, हर पल मेरे साथ रहा मेरे चुनाव में।
मगर कुछ ही समय में एक घटना के द्वारा उनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई, जिस सबकी पीड़ा आज भी हम सबके मन में है। और वो सीट रिक्त हुई उसी समय से हम सब लोग संकल्पित थे कि उनके भाई या उनके किसी परिवार के सदस्य को इस सीट से चुनाव लड़ाकर और एक बार फिर हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे। ये उनके परिवार के साथ मेरा एक वादा था और ये मौका मुझे ईश्वर ने दिया और आज के दिन उनके भाई गगनप्रीत वहाँ से निर्विरोध निर्वाचित होने का उन्हें आज अवसर है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं कहना चाहूँगा कि बीते दिनों से विकासखंड पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर तमाम घटनाक्रम भी घटाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि यहाँ पर्चों के वितरण में धांधली की जा रही, पर्चा भरने से रोका जा रहा है और कई सारी चीजें अनर्गल फैलाई जा रही थी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर।